जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आज हम लोग कुछ एक अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इस हिस्से में इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाए, क्योंकि कल से मीडिया में सिर्फ रफाल ही रफाल चल रहा था। तो एक बड़ा सा बढ़िया सा पीपीटी तैयार कर दिया आपके लिए, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा, और पीपीटी दे देंगे पीडीएफ के रूप में और आप उसको अपने हिसाब से देख भी लेंगे। ऐसा बता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई और एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया गया। मेरी किसी बात का संबंध सरकार के विरोध या समर्थन से नहीं होगा। बहुत सारी बातें व्यंग में हो सकती हैं, बहुत सारी बातें समर्थन में हो सकती हैं, बहुत सारी बातें मजाक में हो सकती हैं। तो मेरी बातों को कहीं भी सरकार के विरोध या सपोर्ट में नहीं लेना है, क्योंकि नई सरकार क्या हो रहा है, डेली कोई ना कोई इतिहास बना रही है। हर दिन हर तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि बस इतिहास बनाने के लिए आई है। प्रैक्टिकल लेवल पे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये अच्छा लग रहा है सुन करके कि सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे आपके सामने रख दी है। लगभग 34 ईयर में ये पॉलिसी आई है, और इसमें हालांकि आप, मुझे नहीं पता कि आप इससे कितने सहमत हैं, किससे नहीं, कितने नहीं सहमत हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या अब हमारे युवा ग्रेजुएट होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के टेंशन में रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस पर बात हुई है, नहीं हुई है। डिग्री के बाद कितने लोग हमारे स्किलफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्या 6% जो जीडीपी पे खर्चा करने की बात कही गई है, क्या ये पहली बार कही गई है या इससे पहले की पॉलिसीज़ में भी कही गई हैं। ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देख के सुन के समझ के लग रहा है कि यस, इससे अच्छी पॉलिसी नहीं हो सकती है। चल, तो हमने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलें तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी एक आई 1968, फिर आई 1986, और इसी के 34 ईयर बाद हम लेके आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। थोड़ा सा इस पर टाइम लगाएंगे। ये बेसिकली एक टॉपिक इस बार टायर 3 देने वाले बच्चों के लिए अच्छा टॉपिक हो सकता है। वे स्टूडेंट जो एजुकेशन फील्ड से हैं, जो सीटेट कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर टॉपिक हो सकता है। तीन लोगों ने भारत में एजुकेशन पॉलिसी रिप्रेजेंट की है। 1986 में पहली बार मिसेज इंदिरा गांधी ने, 68 में, फिर 86 में राजीव गांधी, और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार लाया गया या कितनी बार लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हमने कहा कि 3 बार लाया गया, इसी में से किसी में हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है, बहुत सारी बातें की हमने। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना, दोबारा यही वर्ड आ गया है, बताऊंगा क्यों आया है। क्यों संसाधन शब्द को हटा करके शिक्षा मंत्री कर दिया गया, आपने पढ़ा हो, सुना हो। अब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनको अभी तक हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कहा करते थे, अब उनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री कर दिया गया। जब 1986 में
एजुकेशन मिनिस्टर को ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मिनिस्टर कहा गया था संसाधन मंत्रालय, तो काफ़ी विरोध हुआ था। कहा गया था कि मानव को संसाधन नहीं कहा जा सकता, मानव तो अपने आप में संसाधन है, नेचुरल है, और इसको आप संसाधन करके गलत वर्ड कर रहे हैं और मानवता का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी बातों को लेकर के आए थे। दोबारा उसी चीज़ को हम लेकर के आ गए, कोई बात नहीं, हमने अपनी गलती को सुधार लिया है और अब हम दोबारा एजुकेशन मिनिस्टर ही कहेंगे। अभी तक कोठारी कमीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कब आया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये तीन एजुकेशन कमीशन हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में मेन रोल में रहे। और 1961 में हम लोगों ने एनसीईआरटी एस्टैब्लिश की थी, जो स्टेट और सेंटर के लिए सिलेबस डिसाइड करना, बुकों को फाइनलाइज करना, ये सारे के सारे काम करते हैं। देखो, नाम बदलने से यदि हो जाता तो बदल सब बहुत कुछ बदल चुका होता। आपको पता हो पिछली सरकार में कृषि मंत्रालय को का नाम बदल के क्या कर दिया गया, कृषि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री कर दिया गया, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। अब इससे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जीके का एक क्वेश्चन जरूर बन गया कि अब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का नाम क्या कर दिया गया है। 1968 के एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ था, तो इसमें हमने मेनली जो कोठारी कमीशन ने जो सजेशन दिया था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, उसको हमने पहली बार इंट्रोड्यूस कर लिया। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या कहता है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में होना चाहिए, अपर एजुकेशन मिडिल क्लास हिंदी में होना चाहिए, हायर एजुकेशन इंग्लिश में होना चाहिए। यदि मदर टंग हिंदी ही रहा है, मातृभाषा हिंदी ही रही है, तो किसी एक लैंग्वेज को जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है, वो उसको सीखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या सीखा था, हमने आपने संस्कृत सीखा था। आप जानते हैं कि 6 लैंग्वेजेस इस समय क्लासिकल लैंग्वेजेस के रूप में जाने जाते हैं, नहीं पता हो तो जानिए, मलयालम, कन्नड़ और एक मिनट संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, सबसे लास्ट में इसी को हमने दिया हुआ है। तो इन 6 में से कोई भी एक से लैंग्वेज आपको सीखना होता है, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। इस बार भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया। और ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी इंडियन एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्चा करने की बात कही गई है। यानी जो बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 6%, 6%, क्या ये पहली बार हुआ? तो जवाब है नहीं, पहले एजुकेशन पॉलिसी में ही आ चुका है 6%। चले, दूसरा आया था एजुकेशन पॉलिसी, तो हमारे लिए पहले एजुकेशन पॉलिसी में 3 बातें हो गई, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम लेकर के आ गए थे और 6% इंडियन एजुकेशन के शिक्षा के विकास के लिए, और कहा कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस किया गया था, शुरू से ही चल रही है। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो राजीव गांधी के नेतृत्व में आई थी, और इसमें हमने पहली बार वुमेन, एससी, एसटी और इन सारे लोगों को हम लोगों ने साथ में लेकर के, एक वर्ड इस बार भी यूज किया गया है, इंक्लूजन, समावेशन, इन सबको साथ लेने का बल दिया गया है। और ध्यान से देखो तो यहां पर भी 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडियन एजुकेशन, इस पर भी 6% खर्च करने का बल दिया गया है।
मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है कि अब शिक्षा पर खर्चा बढ़ जाएगा, शिक्षा के लिए बल दिया जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, ये पहले से ही चल रहा है। पता नहीं अमित क्या पूछ रहे हो तुम मेरे भाई। और इसमें हमने रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस की बात की थी, भारत में इग्नू यूनिवर्सिटी, को और बड़े लेवल पे लागू किया गया 1992 में आकर के, इस 1986 की पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज किया गया। और प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया, टेक्निकल प्रोग्राम पर, और बड़े लेवल पे कॉलेजेस खुले गए, ढेर सारे हमने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया, और रिजल्ट हुआ कि कॉलेज ही कॉलेज हो गए। अब क्वालिटी रहे नहीं रहे वो बात की बात है। जो न्यू एजुकेशन पे चेंज आया वहीं पे पहुंच रहे मेरे बच्चे। और देख लो, इंजीनियरिंग, जेई, AIEEE, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, सारे के सारे बड़े लेवल पे शुरू किए गए। चल, अब आ रहा है जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें जानना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे? 10+2 नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम में हम चल रहे थे। इन्होंने, सरकार ने आकर के नया एजुकेशन सिस्टम क्या कर दिया है? तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने नए एजुकेशन सिस्टम को हमने चार कैटेगरी में बांट दिया है। पहले वाले में हमने कहा है 5 5 में हम 3 साल तो आपको बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन पे बात करेंगे, 3 से 6 साल के बच्चों को। और इस बेसिक वाले में, जो फंडामेंटल स्टेज बोला गया है इसको, इस फंडामेंटल स्टेज में हमने उनको पूरी तरीके से बुकों से बाहर किया है। हमने कहा है कि नहीं, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आइए, जो बुकों का बर्डन है हमारे बच्चों पे, ये बर्डन कम हो जाएगा। जो लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट था, इसको हम बड़े लेवल पे लागू करने जा रहे हैं न्यू एकेडमिक सेशन में। तो हमने कहा कि इसमें 2 साल तक तो आपको, 3 साल तक तो आपको बिल्कुल बेसिक प्ले बेस्ड होगा, फिर उसके बाद इसी में 1+2 का सिस्टम भी शामिल किया गया है। मतलब पहली और दूसरी क्लास इसी में 5 में ही शामिल है। लेकिन ध्यान रखना है, इस पहले स्टेज में बिल्कुल बुकों से दूर रखा गया, बिल्कुल फोकस किया गया कि नहीं, हम खेल के थ्रू ही पढ़ाने पर बल देंगे। फिर उसके बाद आया 5+ के पास 3। 3 में क्या है? थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। और इनमें हमने फोकस किया है, प्रिपरेशनरी स्टेज बोला है, प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। यानी अब हम एग्जैक्टली आकर के उनको स्टडी में शामिल करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में। और यहां से हम मदर टंग में ही एजुकेशन, मातृभाषा में ही शिक्षा पे बात करें। यानी ध्यान से देखो तो मदर टंग वाला, कोठारी कमीशन वाला जो सजेशन था, उसको फिर हमने यहां पर ला करके फिफ्थ तक मदर टंग की ही बात की है। चले, तो 5 हमने कहा कि फंडामेंटल स्टेज, फिर दूसरा 3 साल। अब यहां तक आते आते हमने किस क्लास तक पहुंच गए? 5वीं क्लास तक पहुंच गए हम। अब हमें फिर 3+ ऐड करना है, और ये कौन सी क्लास होगी? 6th 7th और 8th। और अब हम यहां से साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से अब वो पूरी तरीके से कैटेगरी वाइज शिक्षा लेना शुरू कर चुका होगा। लास्ट आ रहा है 4, जहां पे हमारे बच्चे से हम पूछते थे कि क्या लोगे अब 9 से 12 तक, आर्ट्स वाला लोगे, ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं।
यदि मैं मान लीजिए साइंस पढ़ता हूँ और मेरी इच्छा है कि हिस्ट्री भी पढ़ूँ, तो मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। मैं मैथ पढ़ता हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि यार नहीं, मैथ मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो हमने कहा कि जी ठीक है, आप इस कैटेगरी में आ करके अपनी इच्छा से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इन्होंने कहा स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसमें दो तीन बातें यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट आई हैं वो हमें जानना चाहिए। एक तो हम बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बच्चों से अब ख़त्म कर रहे हैं और हम इसके जगह पे सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और सेमेस्टर सिस्टम में हमने कहा है 360 डिग्री लर्निंग सिस्टम की कंप्लीट चेंज, पूर्ण परिवर्तन की बात हमने कही है। पूर्ण परिवर्तन किस बात का? तो टीचर तो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे, हमने कहा है कि आप भी अपने आपको मार्क्स दीजिए, स्टूडेंट भी अपने आप को मार्क्स देगा इसमें। दूसरा, स्टूडेंट के फ्रेंड भी उसको मार्क्स देंगे। ये अपने आप में क्रिएटिव है कि अब सिर्फ टीचर ही मार्क्स नहीं देंगे आपको, टीचर ही आपको कैटेगराइज नहीं करेंगे, आपके जो सराउंडिंग्स हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने प्रति कितने खुश हैं, आपको क्या लगता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अभी अपने आप को कितने नंबर देना चाहेंगे, उस हिसाब से हम बच्चे को खुद चाह रहे हैं कि वो रिमोटिवेट हो, खुद के बारे में समझे, खुद के बारे में सीखे। तो दो बातें यहां पर चेंज हुई, एक तो बोर्ड सिस्टम खत्म कर करके सेमेस्टर सिस्टम पे फोकस करने की बात कर रही है, यानी 6-6 महीने पे होगा, और ओवरऑल आपके साल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे टीचर और आप और आपके दोस्त नंबर देंगे। दूसरा, मान लो आपने ग्रेजुएशन 12th में नंबर कम लाए और आपको अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, सर हम किस कंट्री को फॉलो कर रहे हैं? जो अच्छा है उसको कहीं से फॉलो करो, ये डिस्प्यूट का मुद्दा नहीं है। आप हर चीज नेगेटिव पॉइंट व्यू से ना देखें, इसमें कुछ अच्छाइयां हैं। जैसे हमने कहा कि अभी तक क्या था कि 12th में आपके मार्क्स के बेस पर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, इन्होंने कहा ये सिस्टम खत्म करेंगे और हम इनके 12th के बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, कॉमन एप्टीट्यूड कह लो, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कह लो, और उसमें जो मार्क्स आएगा उस मार्क्स को उनके एकेडमिक मार्क्स से जोड़ करके उसके बेस पर हम कॉलेज में इनका एडमिशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब हर लेवल पर यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, हर लेवल पर हम एकीकृत सिलेबस की बात करेंगे पूरे कॉलेज में। ये नहीं कि स्टेट वाइज कॉलेज का सिलेबस अलग और दूसरे कॉलेज में अलग, ऐसा नहीं होगा, सबको ओवरऑल साथ लेकर चलना चाहेंगे। चले, तो ये हमने सारा का सारा बता दिया कि पांचवी तक हम शुरू में 5 साल हम क्या कर रहे हैं, उसको बेस जनरेट कर रहे हैं, फिर 3 साल हम उसको 3rd, 4th, 5th, फिर 6th, 7th, 8th, और फिर 4 साल हम उसको। इसमें एक खास बात आई है कि अब हम कोडिंग पर, सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए बच्चों को 6th क्लास से ही ट्रेन करना शुरू करें। चाइना ऐसा कर रहा है कि अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन से ही कोडिंग, क्योंकि अब आने वाले समय में कोडिंग एक जरूरत बन गई है सॉफ्टवेयर, तो हम अपने बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। दूसरा, हमने कहा है कि जो बच्चा 6th, 7th, 8th में है और वो कुछ स्पेशल चाहता है सीखना, जैसे मान लो पेंटिंग सीखना चाहता है, वो कंप्यूटर सीखना चाह रहा है, तो वो जा करके इन जगहों पर प्रैक्टिस कर सकता है, सीख सकता है, और ये हमारे कॉलेज बेस पर, स्कूल बेस पर ये परमिशन होगा उन जगहों पर जाकर के प्रैक्टिस करने का, सीखने का। ये एक नई शुरुआत हुई है। और हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब क्या जाना जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। हमने कहा कि ह्यूमन को रिसोर्स वर्ड कहना, रिसोर्स क्या होता है वो समझ लो। जब हम किसी फैक्टर में, मान लो ये प्लास्टिक है, इसमें हमने टेक्नोलॉजी लगा दी और टेक्नोलॉजी लगा करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारे लिए जो प्लास्टिक था वो रिसोर्स है। यदि हम उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगा पा रहे हैं, उसकी वैल्यू को ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिसोर्स नहीं है। जैसे आने वाले समय में हम हाइड्रोजन को एक बड़ा रिसोर्स मान के चल रहे हैं, यदि वो टेक्नोलॉजी हम नहीं खोज पाए तो हाइड्रोजन रिसोर्स नहीं बन पाएगा, और टेक्नोलॉजी खोज पाए तो रिसोर्स बन जाएगा। यानी मानव पैदा रिसोर्स के रूप में नहीं हुआ है, एजुकेशन दे के उसको रिसोर्स बनाया जाएगा। तो कहते हैं ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है,
मानव अपने आप में रिसोर्स होता है, इसलिए इस वर्ड को नहीं रखना चाहिए। और उसी सोच को आकर के दोबारा इन्होंने कहा कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी जो मानव को शिक्षा देने का कार्य करेगी, ना कि मानव को संसाधन बनाने का कार्य करेगी। चलो अब थोड़ा सा कौन कौन सी कमेटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखना है। जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, जब भी कोई दल चुनाव लड़ता है तो अपना परफॉर्मा देता है कि जी मैं चुनाव के बाद ये करूंगा। तो 2014 का जो इनका परफॉर्मा था उसमें इन्होंने कहा था कि हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे, इस एजुकेशन सिस्टम में प्रोडक्टिविटी नहीं रही और हमें इस पर काम करना है। और जब सरकार में आए तो इन्होंने 2016 में TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक कमेटी फॉर्म की कि आप अपने आधार पर बताओ कि क्या क्या होना चाहिए। और इस कमेटी ने आ करके अपना रिपोर्ट दे दिया 2016 में। फिर सरकार ने उस कमेटी को के रिपोर्ट को रीड करने के लिए और अपने सजेशन देने के लिए के कस्तूरी रंगन को रिकमेंड किया, और के कस्तूरी रंगन ने रिसोर्स मिनिस्ट्री को फाइनल करके ये नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने दे दी। और अब सरकार ने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारे लिए दो पॉइंट हो गया कि पहली कमेटी जो बनाई गई थी नई शिक्षा के लिए, उस कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो TSR सुब्रमण्यन थे। और बाद में जो कमेटी बनाई गई है उसका, उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, कस्तूरी रंगन, इनकी डेथ हो गई है, अब ये हैं। तो हमारे लिए दोनों नाम इम्पोर्टेंट होंगे, ये अब नहीं है। चले, और इसमें ये तो था हमारा प्राइमरी एजुकेशन, यानी हमने स्कूल लेवल तक की बात आपसे कर ली है। कॉलेज लेवल पे भी इसी तरीके के मुद्दों पे, सर ये जो 4 साल वाला है अभी का एडमिशन से लगा है या नहीं, अभी अभी इस साल से नहीं है, कब होगा कैसे होगा इस पे सरकार ने भी नहीं किया है। बस सरकार ने ये कहा है कि इस साल का जो एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी वो सितंबर से होगी ड्यू टू कोरोना। ये कब होगा कैसे होगा इस पे अभी बात नहीं, इतने आसान नहीं है, इसको पूरा सिस्टम को ही चेंज करना है, पूरा करिकुलम नया बनेगा, तो इतनी जल्दी नहीं होगा ये। कॉलेज लेवल पर भी इसी तरीके की बातें कही गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मोटा मोटी हमने आपको बता दिया है, एक्सेस एक्सेसिबिलिटी एम्फेसाइज सारी बातें हमने आपको रख दी हैं। सेंट्रल लेवल पर अब UGC को हम खत्म करेंगे, और इसमें एक और हायर एजुकेशन में एक और बातें आई हैं कि एजुकेशन क्रेडिट की बात आ गई। मतलब आप मान लीजिए 3 साल के ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ और करना है, तो उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, आपने जो 1 साल लगाया है आपका बर्बाद नहीं हो, जैसे अभी हम 3 साल पढ़ते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। मान लीजिए आपने 2 साल पढ़ाई की तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी कि ठीक है जी आप डिप्लोमा ले जाए, और अब आपके एजुकेशन का आपने 2 साल यूज किया है उसके लिए एक डिग्री ले जाए। और मान लो आपने 3 साल कर लिया तो अब आपको पूरा ग्रेजुएशन होने का डिग्री दे दिया जाएगा कि ठीक है जी आप ग्रेजुएट हो गए। और मान लो मेरे बच्चों आपने 4 साल कर लिया तो अब आप 4 साल करने का मतलब है कि आपको अब MA MPhil करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट 4 साल के बाद आप PhD कर सकते हैं, यानी 4 साल एजुकेशन के बाद आपको डायरेक्ट रिसर्च का परमिशन दे दिया गया। तो ऐसे कई सारी चीजें की गई हैं। अब कैसे कैसे कब कब किस किस स्टेज में लागू होगा यह हमें जानना जरूरी है। दूसरा कहा गया है कि क्रेडिट बैंक, 2-3 बातें इनको इन शॉर्ट समझो, थोड़ा मोटा मोटी समझोगे तो। कॉलेज वालों को कहा गया है कि यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप खुद कमाएं और खुद अपने लोगों को सैलरी देने के लिए कोशिश करें, आप क्रेडिट बैंक जनरेट करें, आप सोशल सोसाइटी से पैसे को कलेक्ट करें, स्टूडेंट से पैसे को कलेक्ट करेंगे
और रेवेन्यू जनरेट कर करके खुद अपने एजुकेशन को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इसका दूसरा मतलब क्या है, आने वाले समय में प्राइवेट एजुकेशन और बड़े लेवल बढ़ेगा। फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, 3+4 का वहीं पर है कि 4 साल आपको डिग्री प्रोग्राम जो जनरली चलता है ग्रेजुएशन में वही है, 3 साल का डिग्री होता है और 1 साल का ट्रेनिंग कन्वेंशनल प्रोग्राम होता है और उसके बेस पर हम आपको डिग्री देते हैं। तो थोड़ा बहुत प्राइवेट एजुकेशन बढ़ेगा, फॉरेन एजुकेशन को एंट्री मिल जाएगा और हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए सिंगल रेगुलेशन विथ 4 सेपरेट वर्टिकल्स डिफरेंट फंक्शन एक कॉमन बॉडी का निर्माण करने की बात चल रही है। और इतना बहुत है। हाँ, एक और भी खास बात है, कुछ खास लैंग्वेजेस को के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने की बात आई है। पाली बुद्ध के समय में, पार्सियन, इस्लाम और प्राकृत और इस तरीके के लैंग्वेजेस के लिए भारतीय संस्थान की स्थापना की बात भी आ गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है किन किन लैंग्वेजेस के लिए स्पेशली फोकस किया गया है। बहुभाषिता को प्रमोट किया गया है, इंग्लिश को कहीं भी फोकस करने की बात नहीं कही गई, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर स्कूल एजुकेशन में हमने बता ही दिया सारा का सारा आपको, ओपन एजुकेशन रिफॉर्म, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन पे, अर्ली चाइल्डहुड, ये बता दिया आपको, कोर एसेंशियल करिकुलम, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा का सारा। टीचर ट्रेनिंग पे भी बात हुई है, चलो ये सब हमारे काम का नहीं है तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और जो इससे ज़्यादा रिलेटेड मैटर होगा उसको आप पढ़ लेंगे। अब हम थोड़ा सा आज का क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं, आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बट सर ये अब लागू होगा क्या हमारे लिए, तो सेकेंड ईयर में नहीं, आप पे लागू नहीं होगा, नए सिरे से होगा। अब यहाँ 2-3 बातें जो सरकार से आपको पूछने की जरूरत है। एक कि जो लोग एजुकेशन ले लेंगे उसके बाद उनका आउटपुट का क्या बात चल रहा है। दूसरा जो क्रेडिट की बात आई है, क्या उसे प्राइवेट एजुकेशन नहीं बढ़ेगा। तीसरा ग्रेडिंग सिस्टम जो डेवलप करने की बात हुई है, क्या उसमें बच्चों के बर्डन कम होंगे। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं, हमने लगभग पूरा का पूरा आपको सेट करके दे दिया है सारा कुछ, जो जो चीज़ें हैं। अब एक बार आप पढ़ लेंगे, कहीं डाउट कुछ होगा तो कर लीजिएगा। मेन मोटा मोटी जो था वो हमने बता दिया, SSC लेवल पर इतने से बात बन जाएगी, UGC खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन एक बार शुरू कर लेते हैं। हायर एजुकेशन अभी तक ये चल रहा है, UGC के द्वारा ही रेगुलेट हो रहे हैं, अब इसको सारे को खत्म करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वारीज हो जिस टॉपिक, इस टॉपिक पे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर वाले डायरेक्ट PhD कर सकते हैं क्या? अब सारे कर सकते हैं डायरेक्ट PhD। कब होगा, कैसे होगा, अभी सरकार ने कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है। बस अभी तक ये बोला गया है कि हम नया एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सर SSC 2020 कब तक हो जाएगा? हाँ, मेन प्रश्न यही है। 3 साल के ग्रेजुएशन हो तो, 3 साल का ग्रेजुएशन हो तो SSC दीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन हो और आपको आगे करना हो तो MA एजुकेशन लीजिए। यदि सिर्फ 3 साल के बाद आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो जाइए, और बाद में 3 साल बाद आपको लगा कि जी मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ने की ज़रूरत है तो आप MA कीजिए, उसमें मना नहीं किया गया, और फिर जाकर उसके बाद आप रिसर्च वाले फील्ड में जाइए। PhD के लिए MA तो करना ही पड़ेगा, नहीं यदि 3+1 कर लिए तो नहीं करना पड़ेगा, 3+1 नहीं किया तब करना पड़ेगा।
चलें। शिवाजी हैड फॉर्म अ काउंसिल ऑफ एट मिनिस्टर्स, आठ मंत्रियों का एक परिषद बनाया था मराठा साम्राज्य को मेंटेन करने के लिए। इस काउंसिल को किस नाम से जानते थे? एमफिल एडमिशन ले लूं या फिर नेक्स्ट ईयर? अरे निकम्मे चुपचाप नौकरी लो, कब तक डिग्री डिग्री खेलोगे? एमफिल करके क्या कर लोगे? दे देगी सरकार, एक साल ढंग से मेहनत करके नौकरी ले लीजिए। मेरे भाई 3 साल ही ग्रेजुएट होता था, इस बार नया सिस्टम आ गया, भूल जाओ ऐसा कुछ है, खत्म करो, अब शुरू करो। ये अष्टप्रधान, मैंने कहा था उन लोगों से कि एसएससी के बच्चों के लिए टॉपिक मत करवाइए, लेकिन कहे नहीं पढ़ा दो। मैं कहा चलो जी, मैंने एमफिल खत्म कर दी। तो हमने कहा कि अष्टप्रधान कहलाते थे, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया? 1674 में। ये आठों लोग हैं, पंत प्रधान, अमात्य सचिव, मंत्री, जज, सेनापति, सुमंत, पंडित राव, और यही आठों लोग मिलकर के प्रशासन चलाते थे। आरआरबी ने कब काम करना शुरू किया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कब काम में करना शुरू किया? एमफिल करने इसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। कॉलेज लेवल पे तो और प्रॉब्लम है, एसएससी करने में सबसे अच्छा है। चुपचाप एक बार आइए और ढंग से 4 सब्जेक्ट अच्छे से करिए और नौकरी लेकर निकल जाइए, और लगते ही 60,000 की सैलरी और समाज में सम्मान, और एमफिल पीएचडी करते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। कृष्णदेव राय के दरबार में भी थे, यस। तो आप जानते हैं कि बैंक किस लिस्ट में आते हैं? बैंक आते हैं यूनियन लिस्ट में, और आरआरबी किस लिस्ट में आते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये आते हैं स्टेट लिस्ट में। पहला जो आरआरबी शुरू किए गए थे वो कब शुरू किए गए थे? 1975 में, 1975 में। कहां पर? 5 जगहों पर। कहां कहां? मालदा, वेस्ट बंगाल, भिवानी, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, गोरखपुर, यूपी, और एक 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 यूपी में ही कौन सा जगह जहाँ पे चूड़ियाँ फेमस हैं, नाम भूल गया बच्चे, किसी को याद हो तो बताओ। हाँ, मुरादाबाद। इन 5 जगहों पर शुरू किए गए थे। देश में सभी जगह आरआरबी हैं, कहाँ नहीं है? गोवा और सिक्किम में नहीं है। आरआरबी 1987 के बाद नया खोलना बंद कर दिया गया है, क्योंकि आरआरबी किसानों के सुसाइड के लिए बहुत बड़े कारण रहे। आसानी से इनको लोन दे दिया गया और ये लगभग डूब गए सारे के सारे पैसे। और रीजनल रूरल बैंक्स नाबार्ड से पैसे लेते हैं, और नाबार्ड हमें आपको फार्मर को देती है, और इस तरीके से काम चलता है। आरआरबी में 3 लोगों का शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, नियोजक बैंक जो बैंक उसको रेगुलेट कर रहा होता है, और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है? 50%। स्पॉन्सर बैंक कितना देता है? 35%, और 15% स्टेट गवर्नमेंट। जैसे भारत का पहला जो आरआरबी था वो कौन सा था? प्रथमा, और इसको स्पॉन्सर किसने किया था? सिंडिकेट बैंक ने। तो कई तरीके से क्वेश्चन हो गए, पहला आरआरबी कब, कहां कहां, उसमें से पहला कौन, कौन सा बैंक, किसका कितना शेयर। चले, यूनिफॉर्म सिलेबस सभी देश, सभी भारत में लागू हो रहा है, बिल्कुल।
द टर्म गोल्डन रिवोल्यूशन इज, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित? आयुष आपका स्वागत है मेरे बच्चे। प्रेजेंट मिनिस्ट्राइज बैंक कितने? लगभग 80 हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा हैं। हम सब मिस कर रहे थे आयुष भाई तुमको। बताओ गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? स्वर्ण क्रांति। सीपीओ के एज क्राइटेरिया क्या है? एसएससी के लिए एमए जरूरी है, एसएससी के लिए नॉर्मल ग्रेजुएट जरूरी है। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क, ब्लू फिश, येलो ऑयल सीड्स, पिंक प्रॉन, ओनियन, फार्मास्यूटिकल्स, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। गोल्डन एप्पल, फूड प्रोडक्शन। राउट रिवोल्यूशन पोटैटो, रेड रिवोल्यूशन मीट टोमेटो, सिल्वर एग पोल्ट्री, रेम्बो ऑल। तो ये हमसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। चले विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रीएम्बल में नहीं दिया गया है, अभी भी नहीं है? बताओ प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? जल्दी जल्दी, आप जानते हैं प्रीएम्बल कहां से लिया गया है? बताएंगे प्रीएम्बल कहां से लिया गया है? लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल लिया गया है यूएसए से। प्रीएम्बल कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ये यूएसए से ली गई। प्रीएम्बल लिया कहां से गया है? चले सबका जवाब सही आ रहा है, दैट इज द डिग्निटी। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, लेकिन डिग्निटी नहीं है। किसी का भी जवाब नहीं आ रहा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिया गया, जल्दी बताओ। इमरजेंसी आपात, हमने बताया था कि आपात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है। कुल तीन तरीके के इमरजेंसी हैं, जिसमें से फाइनेंशियल इमरजेंसी यूएसए से लिया गया है। जल्दी बताइए। तो ये है जर्मनी, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा जाए तो कहां से? यूएसए से, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। चलिए हमने यहां पे सारे सोर्स बता दिए। बताएं विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ साइमन कमीशन इन इंडियन नेशनल लिस्ट? साइमन कमीशन जो भारत आया था तो भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा विरोध किया गया, क्यों? क्या क्या वजह था? पहला, देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। आपको याद हो 1919 का अधिनियम से हुआ था कि हर 10 साल पे चेक होगा। और दूसरा, इन एक्सपीरियंस पीपल वेयर सेंट टू द लुक इन द स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुभवहीन लोगों को भेजा गया था। आपने बताना है कौन सा सही है, स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो किस कारण से विरोध हो रहा था भाइयों? तो हमने इसको व्हाइट कमीशन कहा है, इसमें सिर्फ अंग्रेज थे और हमारा यही विरोध था कि आपको भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए था। क्यों हमने कहा था? 1919 के बाद 10 साल पे आना था, 1927 में ही ला दिया गया था। क्यों? वहां पे चुनाव होना था और उसको डर था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, उससे पहले भेज दिया था। 7 मेंबर थे इसमें और साइमन इसका चेयरमैन था। चले, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं? बताइए। रेनेसा का मतलब होता है रिवोल्यूशन, पॉजिटिव। रेनेसा का मतलब है परिवर्तन।
अमूलचूल पूरी तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन, कौन ऐसा व्यक्ति जो भारत में फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहलाता? रामगोपाल वर्मा कहलाते हैं। चले तो कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। चलो मुझे अच्छा लग रहा है कोई। राजा राम मोहन राय इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, और इनको इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? अकबर सेकेंड के दूत बन के गए थे ये ब्रिटेन, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। पॉलीगामी के विरोध थे, सती प्रथा के विरोध थे, चाइल्ड मैरिज के विरोध थे, इंग्लिश शिक्षा के समर्थक थे। द गांधी सागर डैम इज बुल्ड ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश? बताओ गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है मध्य प्रदेश में? दो तरीके क्वेश्चन। गांधी सागर डैम पहला इटली में हुआ था, यस, अकबर सेकेंड ने भेजा था, गुड। अकबर सेकेंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, गुड। ये भी सही पॉइंट है, ये भी आता है क्वेश्चन। जल्दी बताओ तो किस नदी पर? चंबल नदी पर। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि कौन सा डैम किस रिवर पर है या कौन सा डैम किस स्टेट में। तो ये हमने जितने अब तक एसएससी ने पूछे हैं वो एक जगह आपके सामने रख दिए, देख लो कितनी बार आ चुके हैं। चले भारत का सबसे बड़ा कौन सा? हीराकुंड, और ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम हो गया। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर कौन था जिसने कहा था कि कांग्रेस कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरे भारतीयों को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए इनकी बात मानने का कोई लॉजिक नहीं है। जल्दी बताओ, दैट इज द डफरिन। कांग्रेस का पहला बैठक कहां? मुंबई। पहला चेयरमैन कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी, है ना। संस्थापक कौन? एओ होम। कौन से विद्यालय में? तो हमने कहा था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। चलो स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये भी अपने आप में बहुत आसान है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? जल्दी बताइए। इसका ट्रिक भी बचपन में आपने सीखा था। स्कर्वी आपको पता हो दांतों में मसूड़ों में होता है, दैट इज द विटामिन सी, और ये हमने सारे एक जगह आपको दे दिए इनके डिजीज कमी से क्या होगा। विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन गोइटर और आयरन एनीमिया। चले कुंवर सिंह वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट। कुंवर सिंह कहाँ के नेतृत्व करता था 1857 के रिवोल्ट में? जल्दी बताओ 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? हमने सारे बता रखे हैं आपको किसने कहाँ का किया था, दिल्ली का किसने कहाँ किया था, बहादुर शाह जफर, बनारस का लियाकत अली, कानपुर नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खान। तो कहाँ पे साथियों? बिहार। बिहार में कहाँ? जगदीशपुर। भोजपुर का पार्ट है। ये हमने ये टॉपिक हमने पढ़ाया, उसमें हमने डिटेल आपको दे दिया था। विच आर्टिकल डील विद द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ पार्ट 20 टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कुल कितने अमेंडमेंट? 104 अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल जोड़ा गया, 104 अमेंडमेंट से
एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। अब तो बता दो आर्टिकल 368 सबका सही है। आज क्वेश्चन बहुत आसान आ गया भाई। हमने बताया था तीन तरीके की कैटेगरी है जो हमें इमरजेंसी चेंज करने के लिए चाहिए होता है, आर्टिकल 54, 55 प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव पावर, सेवन शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट, फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में सीटों का रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन द टू सेशन, दो सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? आप जानते हैं कि अभी तीन सेशन होता है, तीन सेशन कौन कौन से? ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाए या मिक्स लाए? मैं तो कह रहा हूं मिक्स चलने दो। पहला होता है बजट सेशन, बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र, और तीसरा विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। बजट कब? फरवरी फर्स्ट, मार्च, अप्रैल, मई फर्स्ट तक, जुलाई मिड, अगस्त, सितंबर मिड तक, विंटर नवंबर मिड से दिसंबर मिड तक। तो देखो तीन चार क्वेश्चन तैयार हो गया। फर्स्ट सेशन कौन सा, दूसरा सेशन कौन सा, तीसरा लॉन्गेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो छः महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। बजट सेशन सबसे लंबा सेशन होता है। चले किस आर्टिकल में? आर्टिकल 85। गैप दो महीने छः महीने ज़्यादा करने होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? तीन। यानी दो क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम के लिए कि कुल कितने सेशन होते हैं, तो होते हैं तीन। कितने होने चाहिए? दो। दोनों अलग अलग बातें। और पहला कौन सा होता है ये बता दिया आपको। हर चीज में निकम्मो ट्रिक लगाते रहो BMW। अरे थोड़ा सा अपने दिमाग पे भरोसा रखो। याद रखना है कि बजट है मार्च में आता है तो पहले वही आएगा, फरवरी में शुरू हो रहा है तो। और मानसून कब आता है इतना तो पता होना चाहिए, और सर्दी कब होता है। इन विच ईयर फिक्स द अचीवमेंट मोस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, UNO का है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 15 साल में पूरा करने का लक्ष्य था। इसमें कुल 17 टारगेट रखे गए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? सबका ही सही आ रहा है भाई, ऐसे कैसे? तो 2030। 17 टारगेट है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने टारगेट रखे गए हैं, तो 17। कौन कौन सा? नो पॉवर्टी, कोई गरीब नहीं होगा, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। मतलब सोच के देखो ये हो जाए तो कितना, मतलब पृथ्वी पे जन्म लेने का मतलब हो जाएगा कि यस बस SSC ना हो लाइफ में। क्लीन वाटर सबको, क्लीन एनर्जी देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे, इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, रिड्यूस इनइक्वालिटी असमानता समाप्त करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज लेकर के आएंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, समुद्री जलों के जीवन को भी सुधारेंगे, लाइफ ऑन लैंड, जो पृथ्वी पे पशु पक्षी जीव रहते हैं उनको भी लेकर चलेंगे, पीस शांति का काम करेंगे, जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप विद द गोल्स, सब कोई मिलजुल कर काम करेंगे। चले ये हो जाए तो रामराज हो जाए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म डज नॉट हैव एक्सेसिव कंट्रोल ओवर पॉलिसीज, किस प्रकार में प्राइस फॉर्म नहीं डिसाइड करेगी, इंडस्ट्री डिसाइड करेगी? हमने इंडस्ट्री और फॉर्म में अंतर समझाया है आपको, ये टॉपिक पूरा पढ़ाए थे। जल्दी बताइए किस प्रकार के फॉर्म में प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, फॉर्म नहीं डिसाइड करेंगे?
हमने बताया है फर्म इज अ सिंगल यूनिट, एक कंपनी को हम फर्म कहते हैं और इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्मों के समूह के इंडस्ट्री कहते हैं। तो किस मार्केट में, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री डिसाइड करती है और तब सभी फर्मों को एक्सेप्ट करना होता है। यही कारण है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम प्राइस होता है, कीमतें समान होती है। चले विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश ओवर द फ्रेंच इन इंडिया। बताओ किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का फ्रेंच पर सुपरमेसी स्थापित हो गया? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, कर्नाटिक वार, बैटल ऑफ चिंगलपट्ट, बताइए। जल्दी फ्रेंच को समाप्त करके, कुछ निकम्मे कह रहे हैं बक्सर। बक्सर लड़ाई फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में हुआ है, इतनी गोली मारी जाए, कल ही पढ़ाया था बल्कि बक्सर वाला, तो 1760 में हुआ था और उन्होंने पराजित किया बांडीवास में, और वांडीवास द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पुडुचेरी फेल द ब्रिटिश इन द 1761। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है शायद, जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, बिंदुसार के दरबार में डायमिकस, हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग, तो कौन सा गलत है बताओ, कौन सा मैचिंग ठीक नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ऑल आर राइट, सभी के सभी सही है। चले ट्रोपोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोपॉज कहां पाया जाता है? बताओ ट्रोपोपॉज, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाया जाता है, बाउंड्री बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच पाया जाता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, भारत पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन ही चीख चीख के कह रहा है कि मैं ही हूं आंसर, यदि ध्यान से एब्सेंस समझेंगे। इनर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, बताओ इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलो मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे, कुछ निकम्मे गलत दे रहे। तो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच, आप जानते हैं कि सबसे निचले मंडल को अपन लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो ये जो बाउंड्री है दैट इज द ट्रोपोपॉज, सबसे ऊपर कौन सा आता है, एक्सोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, चले मैं सॉरी मेजोस्फीयर से ऊपर एक आयनोस्फीयर भी कर लो। विच स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, कौन सा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? इसको तो प्लीज गलत मत करना यार। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का कौन हिस्सा नहीं है बताओ। प्लीज
प्लीज ये गलत मत करना। आज भी सीरियल नहीं दिया। कुछ लोग गलत कर रहे हैं, सोच के दो आंसर, बहुत जल्दीबाजी में दे रहे हैं आप। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कल दे देंगे सीरियल नंबर, कोई बात नहीं। तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आता है वेस्टर्न घाट में, ध्यान रखना, सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं है। देख लो, कुछ हिस्सा है तमिलनाडु का। वेस्टर्न घाट किस लिए फेमस है हमारे लिए साथियों? तो वेस्टर्न घाट हमारे लिए फेमस है बायोडायवर्सिटी के लिए, हॉट स्पॉट इंडिया का सबसे मेन, सबसे जैव विविधता वाला पार्ट। मैंने कहा था कि सोच समझ के अटेम्प्ट किया करें, हर क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी ना दूंगा। विच वन इज एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पढ़ाया है आपको हमने इसी मंच पर, कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं होगा? बताइए जल्दी से। आपको हमने तीन पॉलिसी बताई थी, मैंने कहा था किसी भी देश को तीन पॉलिसी डिसाइड करती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरा साथियों ट्रेड पॉलिसी और तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें से एक है जो मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल है, मौद्रिक नीति का। गलत गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। एक जवाब सही है अब तक। हा। क्रेडिट राशनिंग इज द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप ऐसे समझे एक बार कि फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। फिस्कल पॉलिसी जब बजट, तो बजट में क्या होगा, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना कर्जा है, देख लीजिए। यहां बता बना रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है क्रेडिट राशनिंग के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंडिचर रिसीविंग को शो करता है, और यही पॉलिसी डिसाइड कर देती है कौन सा देश आगे बढ़ेगा, कौन सा नहीं बढ़ेगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। किसने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? 1868 में लिखा था इन्होंने, और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियोरी दी थी, जिन्होंने कहा था कि भारत से अंग्रेज पैसा लेकर के जा रहे हैं, उनका भारत आने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ पैसा ले जाना है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले पहले एशियाई हैं, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम देने वाले यही हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नरोजी। 1868 पहला नेशनल इनकम रिपोर्ट भारत में इन्होंने दिया है। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे ये। चल, राष्ट्रमंडल खेल कहां से शुरू किया गया था? ये शायद हमने आपकी क्लास ली है, 1930 में शुरू किया गया था ये। भारत का अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ में कौन सा? 2010 का कॉमनवेल्थ। जल्दी बताओ, 1930 में शुरू किया गया तो कहां से? दैट वाज कनाडा, हैमिल्टन। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर कैसे हो सकता है कॉमनवेल्थ का मेरे बच्चे, ऐसे क्यों करते हो? नेक्स्ट कहां होने जा रहा है? बर्मिंगम। कॉमनवेल्थ गेम पूरे वर्ल्ड में एकमात्र गेम है जहां महिला और पुरुष बराबरी की संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए जल्दी बताइए अगला। जब भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था, दिल्ली का सुल्तान कौन था?
हम आपको क्लू दे देते हैं, दिल्ली तुगलक डायनेस्टी का अंतिम। चले मोहम्मद शाह तुगलक। कौन से भारत के कौन सा राज्यों का सेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, बताओ। श्रेयसा श्रीवास्तव मेरे बच्चे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ए वाले तो गलत है, बी वाले, और कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड। बी वाले सही है। हमने कहा था कि 8 राज्यों से गुजरती है ये। किससे किससे? गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमने फिगर दे दिया आप। चले 42nd अमेंडमेंट से 1976 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज एडेड इन टू प्रियम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आज मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खूब आसान मिले हैं, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जल्दी बताइए। तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, इंटीग्रिटी, सेकुलर और एक जो आप लोगों ने जवाब दे दिया दैट इज सोशलिस्ट। समाजवाद, अखंडता और चले। बहुत दिन हो गए हमने थियरी नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं एक आध कोई टॉपिक का थियरी पढ़ाऊं। यदि आपको लगता हो कि कोई टॉपिक जो आप चाहते हो थियरी के लिए कल के लिए, वो आप मुझे बोल सकते हैं। या दूसरा, आप मुझे कल का टॉपिक कोई किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोल दीजिए। या मैं चाह रहा हूं अभी सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष हटाने के लिए याचिका दायर की है, वो क्यों है सर? पागलों की कमी थोड़ी नहीं है। तो ज्योग्राफी कल लेके आए क्या? कल फिजिकल ज्योग्राफी पे 50 क्वेश्चन, बढ़िया। और मैं टॉपिक यदि आपको बता दूं पहले, डैम पर, लेक पर, रिवर पर, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में जो मेन मेन है वहां से। इकोनॉमिक्स में लगभग सारा कुछ हो चुका है, एक टॉपिक बचा है ये मॉनेटरी पॉलिसी। चलो कल या तो क्वेश्चन ये तैयार हो गया तो फिजिक ज्योग्राफी का टॉपिक क्वेश्चन, और नहीं तो इकोनॉमिक्स का फिजिकल ज्योग्राफी। चले आज के लिए फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। और कोशिश करेंगे कि जो हमने आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या चाहती है, कैसे चाहती है, सारी चीज़ें अच्छी होती यदि रोजगार पे भी कुछ बात होता, सारी चीज़ें अच्छी होती यदि हम सब जिस लिए लड़ रहे हैं वो टाइम पे होता। मैं आपको लड़ाई लड़ाऊँ और टाइम पे एग्जाम ही ना लूँ, लेकिन चलो फिर भी हम सब मजबूत डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल आपकी क्लास होगी और कल आपको स्टोरी भी सुना देंगे, आज थोड़े से बिजी रहे, कल इसको डिस्कस करते। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।